एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी रेडमी नोट 7 मोबाइल है तो कैसे आप अपने फ़ोन में डुअल ऐप को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो है चले जाना है बैक जाने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो है आपको यहां पर सेटिंग्स का आइकन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स के आइकन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको ऐप पर कर देना है, ऐप्स पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पर कर देना है क्लिक, डुअल ऐप्स पर। उसके बाद जो है आपको ठीक राइट साइड में यहाँ पर स्विच का आइकन देखने को मिल जाएगा। आपको इस स्विच पर क्लिक करके ऑफ कर लेना है जिस जिस ऐप को आपने डुअल कर रखा है। तो मैंने सभी ऐप को डुअल बना रखा था लेकिन अब जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप इसी तरह से डुअल ऐप को रिमूव कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।